गाइस देखिए, सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है कि आप लोगों का रिजल्ट आ गया। आप लोगों से ज़्यादा खुशी मुझे हो रही है कि जो मैंने प्रयास किया था, और मेरे तरफ से उन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो जिनका सिलेक्शन हो गया है। आप लोग ज्वाइनिंग कीजिए, और आप लोगों से एक अनुरोध है, जिनका भी सिलेक्शन हुआ है प्लीज़ आप लोग मेरा नंबर मैं अपना दे दूँगा, ठीक है, व्हाट्सएप और ग्रुप का भी। आप लोग जाकर वहाँ पर थोड़ा मैसेज करें, और हो सके तो आप गूगल मीट के जरिए इंटरव्यू भी दें। आप लोगों का मैं इंटरव्यू अपने चैनल पे अपलोड करूंगा, ठीक है, कि आप लोग सिलेक्टेड हुए हैं। जितने लोग सिलेक्ट हुए हैं सब लोग, ठीक है, मेरे सब्सक्राइबर जितने हैं, जिन लोग मुझसे जुड़े हुए हैं शुरू से, ठीक है, सभी लोग अपना दो दो मिनट तीन तीन मिनट का कीमती समय देकर इंटरव्यू दें, ठीक है। आप सभी लोगों का मैं वीडियो अपलोड करूँगा चैनल पर, ठीक है। तो गाइज बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। गाइज वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल, गाइज एक बार फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी एनएचएम 17,000 प्लस वैकेंसी रिजल्ट को लेकर, ठीक है। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, फार्मासिस्ट के जो सभी प्रोग्राम के रिजल्ट हैं वो डिक्लेयर हो चुके हैं। तो देखिए, अब बहुत से डाउट आ रहे हैं, स्कोर कार्ड नहीं दिखेगा क्या, कैसे और कब देखेंगे स्कोर कार्ड, उसके बाद देखेंगे कट ऑफ लिस्ट इसकी कितनी आएगी, या आएगी कि नहीं आएगी, या कट ऑफ कितना गया है। रिजल्ट आने के बाद एएम हो चाहे एलटी वाले हो चाहे स्टाफ नर्स वाले हो, सभी यही पूछ रहे हैं कि सर कट ऑफ कितनी गई इसकी, ठीक है, ताकि हमारा भी आइडिया लग सके हमारा होगा कि नहीं होगा। उसके बाद वेटिंग लिस्ट कब आएगी ये भी बात करने वाले हैं, एएम स्टाफ नर्स एलटी का रिजल्ट कब आएगा, ठीक है, ये भी बात करने वाले हैं। और देखिए कुछ कमेंट आ रहे हैं कि सर फार्मासिस्ट का रिजल्ट जो अभी डिक्लेयर हुआ इसमें कुछ गड़बड़ है, वो भी चीज़ें बात करेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे एक कैंडिडेट का नाम इन्होंने तीन तीन जगह दे रखा है, चार चार जगह, जितने प्रोग्राम में दिए थे सभी प्रोग्राम में जो सेलेक्ट हैं सभी जगह इनका नाम दिया है। टोटल जितनी वैकेंसी थी उतना ही रिजल्ट इन्होंने दिया है, कोई स्टार नहीं दिया डॉक्यूमेंट के लिए, ठीक है। तो वेटिंग लिस्ट कितने गुना बुलाएंगे, कितने लोगों को सिलेक्ट करेंगे, ये सभी कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। आज रिक्वेस्ट आपसे यही है कि वीडियो को एंड तक देखेंगे आप लोग। जैसा आप लोग सभी जानते हैं, शुरू से एक श्वेत कुंड मेडिकल अड्डा यूट्यूब चैनल ही आपके रिजल्ट को लेकर सीरियसली जो आपके साथ प्रयास किया, और वो मैं आज गर्व के साथ भी बोल सकता हूं कि हमने और आपने जो मिलकर प्रयास किया वो हमारी मेहनत रंग लाई, और आज रिजल्ट आना शुरू हो गया है, और धीरे धीरे सबका रिजल्ट एक दो दिन में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जिन लोगों का रिजल्ट आ गया है फार्मासिस्ट वाले, ये लोग आप अपना स्कोर कार्ड भैया पाँच आइडिया लगा लीजिए, 27 तारीख से लेकर 5 दिन, मतलब आप 1-2 नवंबर को अपना रिजल्ट का स्कोर कार्ड देख पाएंगे, ठीक है। और जब आप स्कोर कार्ड देखेंगे तभी आपकी कट ऑफ लिस्ट भी जारी होगी कि इतना कट ऑफ गया है, ठीक है। तो दो डाउट आपको अभी क्लियर हुआ। अब तीसरा डाउट ये, वेटिंग लिस्ट कब आएगी। तो वेटिंग लिस्ट देखिए इन्होंने बहुत जल्द ही आपको बताएंगे, ठीक है। अब देखिए गाइज, इसमें से बहुत से कमेंट ये भी आ रहे हैं कि सर डीवी के लिए, देखिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना दिया हूँ, ठीक है, आप चैनल पे जाके ढूंढ लीजिए, मेरे ही चैनल पे डीवी कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो मिल जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए एनम स्टाफ नर्स एलटी का रिजल्ट कब आएगा। देखिए सैटरडे संडे को छोड़कर मंडे को मैक्सिमम चांस है आपका रिजल्ट आ जाएगा, एनम वाया स्टाफ नर्स या एलटी का किसी का भी रिजल्ट आएगा, पोस्ट वाइज ही आ रहा है तो पोस्ट वाइज ही आएगा, ठीक है। मंडे को आप मान के चलिए, हो सकता है मंडे को तीनों लोगों का आ जाए, या हो सकता है मंडे को एक दो लोगों का आ जाएगा, लेकिन सैटरडे को आप संडे को नहीं, आप इतना मतलब एक तरीके से नहीं बोल सकते क्योंकि छुट्टी का दिन होता है तो चांस कम है, बाकी आपका मंडे को ज़्यादा चांस है रिजल्ट आने का। अब देखिए फार्मासिस्ट का रिजल्ट क्या गड़बड़ी हुआ है क्या नहीं, बहुत से कमेंट आ रहे हैं कि सर मेरा 69 था एक दोस्त का, उसका नहीं हुआ, 67 था इसका हो गया। तो देखिए ये कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है, इनकी कैटेगरी हो सकता है एससी की होगी और इनकी कैटेगरी हो सकता है यूआर की होगी, इसलिए इनका नहीं हुआ इनका हो गया है। तो और प्रोग्राम पे भी डिपेंड करता है, हो सकता है इसमें वैकेंसी कम हो या ज़्यादा हो, वो सब डिपेंड करता है। रिजल्ट में कोई गड़बड़ी नहीं, मैं ऑलरेडी कट ऑफ की वीडियो बनाया था और उतनी ही कट ऑफ गई है। जहाँ तक मुझे लग रहा है ओबीसी की मैं बात कर लूँ, देखिए ओबीसी की मैं बात करूँ, जहाँ तक मुझे पता है ओबीसी की ओबीसी की जो एनयूएचएम प्रोग्राम है, ठीक है, एनयूएचएम प्रोग्राम है, अगर इसमें जिसका 66 से लेकर 67 से लेकर 70 के बीच में नंबर था उनका सिलेक्शन हो गया है,
और शायद इतना ही कट ऑफ गया है, 67-68 के आसपास मिनिमम कट ऑफ गया है ओबीसी एंड यूएचएम प्रगा फार्मासिस्ट की। और यही मैं आरबीएसके की बात करूँ तो आरबीएसके में जिसका 65 के अराउंड हुआ है ओबीसी में फार्मासिस्ट के जिसका 65 है उसका भी सिलेक्शन हो गया है। और देखिए यूआर की मैं बात करूँ तो एनिमेशन प्रोग्राम में यूआर की जो कट ऑफ गई है 73 या 74 के आसपास गई है एनिमेशन प्रोग्राम में, ठीक है, फार्मासिस्ट की। तो जो मैंने बताया था वही अभी वीडियो पढ़ा है, आप जाके वहाँ पे देख लीजिए। तब तो बहुत कमेंट आ रहे थे, इतना हाई कट ऑफ कैसे जाएगा, कैसे नहीं जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे कम कट ऑफ किसकी रहेगी, एलटी वालों का। क्योंकि देखिए इसमें 60-70 हज़ार कैंडिडेट थे भैया, 500 के आसपास वैकेंसी थी, तो उतना जाना ही तय था कि इतना कट ऑफ जाएगा ही जाएगा। बाकी सबसे कम कट ऑफ यहाँ पे लैब टेक्नीशियन वालों को ही दिखेगा। बाकी एक प्रकार से मैं बोल सकता हूँ कि रिजल्ट में थोड़ा त्रुटि इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि देखिए इन लोगों को वेटिंग लिस्ट बनाना चाहिए। अब तीन तीन जगह सिलेक्शन एक ही कैंडिडेट का हुआ है, ठीक है, एक ही कैंडिडेट का तीन तीन जगह सिलेक्शन हुआ, इसको ज्वाइनिंग तो एक ही जगह लेना है, बाकी दो जगह तो सीटें खाली होंगी ना, वो कैसे फिलअप करेंगे। और ये वेटिंग लिस्ट बोले हैं, वेटिंग लिस्ट बनाएंगे तो वेटिंग लिस्ट साथ में देना चाहिए कि भैया आप वेटिंग लिस्ट में हैं, कम से कम ये चीज़ें देना चाहिए। हालांकि वेटिंग लिस्ट तो आएगा तीन गुना, वो बोले हैं तीन गुना देंगे वैकेंसी के तीन गुना, तो आप मान के चलिए 1500 के आसपास वेटिंग लिस्ट आपका आएगा, जिनका एक नंबर दो नंबर कम है या 65-60 जो मैंने अभी कट ऑफ बताया है उसके आसपास नंबर है, तो उनका चांस है कि हो जाएगा। तो निराश नहीं होना है, 1500 लोगों का भी और रिजल्ट आएगा वेटिंग लिस्ट में, और जिनका आएगा उनका होगा, ठीक है। ये नहीं है कि नहीं होगा, वेटिंग लिस्ट आएगा तो भी होगा, 100% होगा मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी एनम स्टाफनेस का भी रिजल्ट जल्द देखने को मिलेगा दो तीन दिन में। देखिए गाइज 5 अक्टूबर के बाद लगभग जो अपना जो प्रयास हुआ था, इतना अच्छा खासा प्रयास हुआ था, और हम सभी लोगों ने जहाँ तक हमारा यही मोटिव था कि ये जो रिजल्ट है ज्वाइनिंग है चुनाव से पहले हो जाए। और अब मैं बोल सकता हूँ कि आपका ज्वाइनिंग चुनाव से पहले करवा सकते हैं ये लोग, ठीक है। और डीवी बहुत जल्द ही होगा, टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को। बाकी और ग्रुप, अभी देखिए ग्रुप में भी कमेंट आया था कि अब मैं ग्रुप से लेफ्ट हो रहा हूँ, कोई काम नहीं, तो भैया बहुत काम है। जिस तरीके हमने यूनिटी दिखाई, अपना प्रयास किया, अभी हमको ज्वाइनिंग के लिए भी लड़ना होगा और भी आने वाली भर्तियों के लिए भी लड़ना पड़ेगा। तो आप सबका साथ जरूरी है, यूनिटी बना के रखें ग्रुप में, ठीक है, किसी को लेफ्ट नहीं होना है। बाकी अब तो ये कॉन्फिडेंस हो गया कि हम अपनी आवाज़ को सिस्टम तक पहुँचा सकते हैं, ठीक है, वो चाहे ट्विटर के माध्यम से हो, चाहे चल के वहाँ पे ज्ञापन के माध्यम से जो हमारा आवाज़ है वो सिस्टम तक पहुँचा सकते हैं। और ये चीज़ें हम लोगों ने कर दिखाया, ठीक है। बाकी एक बार मैं और एनएम स्टाफनेस की कट ऑफ की थोड़ा दिखा दे रहा हूँ, वीडियो में बनाया हूँ, उस वीडियो को आप जाके देख लीजिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट का भी बना के रखा हूँ वीडियो, उसको भी आप देख लीजिए। और ये भी बता के रखा हूँ एनिमेशन प्रोग्राम बेस्ट है, जो जिनका सिलेक्शन हो गया है फार्मासिस्ट वालों का, थोड़ा सोच समझ के आप पोस्ट अपना प्रोग्राम च्वाइस करिएगा। देखिए एनिमेशन में सैलरी ज़्यादा है तो काम का लोड भी ज़्यादा रहेगा, ठीक है, हो सकता है आपको दूर भी भेज दिया जाए। आईबीएस की भी सैलरी कम है तो लोड कम है, सब चीज़ जैसे वैसे आपका यहाँ पे दिया गया है। एक बार आप प्रोग्राम में देख लीजिएगा, मैं प्रोग्राम वाइज भी बना दिया हूँ, कौन से प्रोग्राम में क्या काम है, कितना कैसे क्या करना होता है, कट ऑफ की वीडियो में दिखा दे रहा हूँ। देखिए गाइज आप चैनल पे जाके ये वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, ये थंबनेल आपको दिखाई देगा। आज के बाद कट ऑफ की वीडियो नहीं देखी जाएगी। बाप रे 3000 स्टूडेंट का इतना कम नंबर, तो ऐसे सबका सिलेक्शन हो जाएगा, 40-45 वालों का भी हो जाएगा। यही कट ऑफ की वीडियो में दिया हूँ सभी पोस्ट और सभी प्रोग्राम के, तो यहाँ पे आप जाके एक बार कट ऑफ देख लीजिए।